कहते हैं अवैध रिश्तों का परिणाम बेहद ही खतरनाक होता है, जिसकी कीमत जान देकर या जान लेकर भी चुकानी पड़ जाती है। और यही बात मुगेली में एक बार फिर सिद्ध हो गई है। मुगेली में कुछ दिन पहले एक लाश मुगेली पुलिस को मिली थी, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। मुगेली पुलिस ने लाश मिलने के 4 दिन बाद हत्या का खुलासा किया है। मामला मुगेली के फास्टरपुर थाने के दाबो गांव की है, जहां 24 मार्च को सड़ी गली अवस्था में एक महिला की जमीन के अंदर लाश मिली थी। बदबू आने पर ग्रामीणों को इसका पता चला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को जेसीबी से बाहर निकलवाया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई थी। वहीं इस घटना ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए थे। अंधे कत्ल की जांच में जुटी पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला में हत्या की आशंका भी जाहिर की थी। इस वारदात को पुलिस विभाग ने गंभीरता से लेते हुए मामले से जुड़े हर पहलू पर जांच की और मृतिका से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि इस महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का प्रेमी है। जो तथ्य पुलिस को हाथ लगे हैं वह बेहद चौंका देने वाला है। दरअसल जिस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है, मामले में लिव रिलेशनशिप में गांव से बाहर रह रहे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी क्योंकि उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ गांव के घर जाना चाहती थी, लेकिन प्रेमी ले जाने से मना कर दिया। दोनों के बीच विवाद चालू हो गया। प्रसंग की यह कहानी प्रेमिका की मौत और प्रेमी के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद ही समाप्त होती है। ये महिला पहले से शादीशुदा थी और अपने पति को छोड़ के इस युवक के साथ कुछ महीने भोपाल में रही और उसके पश्चात दोनों लोग कमाने खाने के लिए रायपुर रहे। उसके बाद से ये महिला ये अपने आरोपी पे दबाव डालने लगी थी कि इससे शादी करे और अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए गांव ले जाए। इससे ये उसको टालने का प्रयास कर रहा था, परंतु महिला के काफ़ी दबाव डालने के बाद ये 19 मार्च को अपने साथ गांव तक लेके आया और गांव में एक जगह नहर की खुदाई चल रही थी, वहाँ पे पास में किला था। दोनों शाम के समय वहाँ पे पहुँचे और फिर वहीं पे रुके कि रात में घर चलेंगे। उसी दौरान दोनों में वाद विवाद हुआ और घटनास्थल पे गला दबाकर उसकी जान ली गई है। घटनास्थल पर ही गड्ढा खोदने का काम चल रहा था, तो वहाँ पे शव को इसने छुपाया और ऊपर से मिट्टी डाल के और फिर वहाँ से अपने घर वापस चला। अंधे कत्ल की इस गुत्थी को मुगेली पुलिस ने लाश मिलने के महज 4 दिन में ही सुलझा लिया है। वहीं आरोपी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर धारा 302-201 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को रिमांड में जेल भेज दिया है। मुगेली पुलिस के इस बड़ी कामयाबी के बाद जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में डर व्याप्त हो गया है और निश्चित ही ऐसे गतिविधियों में संलिप्त होने वाले लोगों पर नकेल कसने में मुगेली पुलिस एसपी पारुल माथुर के नेतृत्व में कामयाब हो रही है। मुगेली से अविनाश कुलमित्र व विनय राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मुगेली वासियों को सिटी बस की सौगात दिलाने आरजे रमझाझर द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं। देखते हैं उनका इस मुहिम के लिए क्या कहना है। मैं अचानक से फेसबुक चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि आरजे रमझाझर ने एक वीडियो लिंक डाला है, मुगेली में सिटी बसों का होना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप देख सकते हैं इतने सारी भीड़ है लेकिन एक भी बस नहीं खड़ी है। वो बस स्टैंड पे देख लीजिए, अभी एक बस निकली यहाँ से। मैं इस मुहिम में आरजे रमझाझर के साथ हूँ। किसी भी शहर के विकास के लिए सबसे अगर ज़रूरी चीज़ होती है तो वो होती है वहाँ की परिवहन व्यवस्था, सबसे ज़रूरी। और मुंगेली की परिवहन व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है वो तो यहाँ की जनता भली भांति समझती है। और बहुत अच्छी मुहिम रमझाझर टीवी के द्वारा सिटी बस को मुंगेली लाने के लिए, और इसका पूर्ण जोर रूप से हम समर्थन करते हैं कि मुंगेली से पंडरिया, मुंगेली से तखतपुर बिलासपुर, मुंगेली से आपका नांदघाट, मुंगेली से पथरिया, सिटी बस नितांत आवश्यक है, मुंगेली के लिए चालू होनी ही चाहिए। मेरे दोस्तों के सूत्रों के मुताबिक मेरे को पता चला है कि आरजे रमझाझर द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो सिटी बस के मांग को लेकर चलाया जा रहा है। और हमारे जिला जो है नवीन जिला है,
तो बाकी जिलों की तरह यहाँ भी एक सिटी बस होना चाहिए जिसके चलते हमारे जो होने वाली असुविधा है उसको सुविधा प्रदान मिले और सही मूल्य पर हम यात्रा तय कर सकते हैं। इसके लिए मैं आरजे राम झाझर को सपोर्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छा मुहिम चलाई जा रही है। आरजे राम झाझर द्वारा चलाई गई मुहिम को मुंगेली में सिटी बस को मांग को लेकर हम उसको समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखा आपने सिटी बस के लिए लोगों में कितनी उत्सुकता है, आप भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपना वीडियो मैसेज हमें 9907756308 पर व्हाट्सएप कीजिए।